नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के बाद गिरेगी कर्नाटक सरकार, कांग्रेस के एक मंत्री 50 एमएलए के साथ बीजेपी में होंगे शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का दावा। कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस विधायक तारक रामराव के बीच हुई तीखी नोकझोंक। यह सब राजनीति, नेता के दाऊद के करीबी के साथ पार्टी करने के आरोपों पर भड़के उद्धव शिवसेना। अरब सागर में मल्टा जहाज की मदद के लिए पहुंचा भारतीय युद्धपोत, समुद्री लुटेरों पर है अपहरण करने का शक। कांग्रेस अब शुरू करेगी क्राउड फंडिंग, डोनेट फॉर देश अभियान से जुटाएगी चंदा। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 16 दिसंबर को बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में जिला स्तर के सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैंड बाजे बजाए गए और भव्य तौर पर इस संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस खेल उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा के अलावा कई बीदर शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संसद खेल महाकुंभ में विभिन्न शिक्षा संस्थानों के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भगवंत खूबा ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने संबोधित करते हुए खेलों के महत्व को बताया। इस अवसर पर भारी संख्या में खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संसद खेल महाकुंभ के संबंध में बताया और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। संसद क्रीड़ा संसद महा खेल कुंभ 2023-24 के तालुक स्तर में तालुक स्तर पर SSV संपन्न हुआ और आज जिला स्तर के संपन्न होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेल हर व्यक्ति का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र निभाता है और उससे ये खेल मनोभाव हर व्यक्ति के लिए आवश्यक रहता है। इसी के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में पिछला 2 साल से लगातार यशस्वी रूप से बीदर जिले के अंदर खेला जा रहा है और आज संपन्न हो जाएगा। जनता दल सेक्युलर JDS के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा, राज्य सरकार के एक शीर्ष मंत्री केंद्र में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और वह लोकसभा चुनाव के बाद कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। हाल ही में कुमार स्वामी ने कहा, उनके पास जानकारी है कि एक कांग्रेस मंत्री ने केंद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वह 50 विधायकों के साथ बीजेपी में आएंगे। उन्होंने 6 महीने का समय इसलिए मांगा है ताकि वह 50 या 60 विधायकों को अपने साथ जोड़ सके। हालांकि उन्होंने कांग्रेस मंत्री का नाम नहीं बताया। कुमार स्वामी ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। कोई भी पार्टी के प्रति ईमानदार या प्रतिबद्ध नहीं है। वह नेता अपने व्यक्तिगत लाभ का ध्यान रखेंगे। राजनीति में ऐसा हमेशा होता आया है। बसवे कल्याण के सरस्वती डिग्री कॉलेज में आयोजित पहले साल के स्टूडेंट के वेलकम प्रोग्राम और आखिरी साल के स्टूडेंट्स के विदाई प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व MLC विजय सिंह ने भाग लिया। इस अवसर पर पूज्य श्री अभिनव घनलिंग रुद्रमुनि शिवाचार्य स्वामी जी ने दीप जलाकर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम में शामिल मुजाहिद पाशा सरकारी PU कॉलेज के प्रिंसिपल श्री हिरेमठ, सरस्वती कॉलेज के प्रिंसिपल श्री सूर्यकांत राजोड़े, शालिवान रामकांत,
कांग्रेस पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश पाटिल, बसवराज बिरादर, आनंद हुन्ना नाइक और कई शिक्षण कर्मचारी और स्टूडेंट उपस्थित थे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು MLC ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ MLA ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದ್ ಆವಾಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದೆ ಬೇಡ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ChatGPT ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಾರ್ಡ್ ChatGPT ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೇರಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗಿನ್ನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇ ಏಕ ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕೋ ನಿರ್ವಸ್ತ್ರ ಗುಮಾನಿ ಕೆ ಮಾಮಲೆ ಕಿ ಜಾಂಚ್ ಕೆ ಲಿಯೆ 5 ನೇತ್ರಿಯೋ ಕಿ ಸಮಿತಿ ಬನಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ. ಈ ಸಮಿತಿ ಮೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸರಾಂಗಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದುಗ್ಗಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿತಾ ಕೋಲಿ ಔರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಲಕ್ರಾ ಕೋ ಶಾಮಿಲ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಈ ಸಭಿ ನೇತ್ರಿಯಾ ಆಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಹುಂಚ್ ಚುಕಿ ಹೈ. ಇಸ್ ಮಾಮಲೆ ಮೇ ಲಾಪರ್ವಾಹಿ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ನೂರ್ ಕೋ ನಿಲಂಬಿತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. इस घटना पर भाजपा के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. कर्नाटक के पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने कहा, हम कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हुई है. तेलंगाना विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस विधायक तारक रामराव के बीच तीखी नोकझोंक हुई. तारक रामराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ एनआरआई लोकतंत्र की भावना का मतलब नहीं समझते. तारक रामराव ने कहा कि रेवंत जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि उन्हें दिल्ली से मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है. उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि कौन सी पार्टी एक एनआरआई को लाई और उसे पार्टी अध्यक्ष बनाया. उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को राज्य बनाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रेवंत की वाणी में कोई फर्क नहीं आया है. उन्हें नेताओं के साथ नैतिक व्यवहार करना नहीं आता, क्योंकि इसी सदन में रेवंत रेड्डी ने अन्य मुख्यमंत्रियों को नाम लेकर बुलाया और साहब कहकर संबोधित किया और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को साहब नहीं कहने दिया. ये उनकी नैतिकता है. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में. तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बेशक बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उसने उम्मीद की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है. उसने इस बार 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि पिछली बार उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी. इस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है. पार्टी ने अब तय किया है कि वह लोकसभा चुनाव में यहां की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार 15 दिसंबर को स्पष्ट किया कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये बातें कही. इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद थे.
हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ऐसी अटकलें थी कि भाजपा 2024 के आम चुनाव के लिए भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से हाथ मिलाएगी। अध्यक्ष ने फिलहाल ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर जनसेना पार्टी को समर्थन दिया था। रेड्डी ने पार्टी कैडर से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और भाजपा की जीत के बारे में विश्वास जताया है। तेलंगाना के गदवाल कस्बे में एक शख्स की पैंट की जेब में रखा सेल फोन अचानक फट गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गदवाल के बीसी कॉलोनी का जयरामो बाजार आया था। जब वह व्यवसायियों से बात कर रहे थे तभी अचानक उनके पतलून की जेब में रखा मोबाइल फट गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पतलून की जेब जल गई थी और सेल फोन टुकड़े टुकड़े हो गया था जिससे पीड़ित और स्थानीय लोग परेशान हो गए। भाजपा नेता नीतीश राणे ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सब राजनीति है। राउत ने पत्रकारों से कहा, आप एसआईटी का गठन कर सकते हैं, एसआईटी हर जगह बरस रही है, आपने हमारे द्वारा बनाई गई एसआईटी को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे के कार्यालय में हमने इससे भी गंभीर मुद्दों पर 3 एसआईटी का गठन किया था, उसे रद्द कर दिया। यह एक राजनीति है, बस राजनीति चल रही है। नासिक में ड्रग माफिया ललित पाटिल का 2 कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीधा संबंध है, यह उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा, यदि आप जांच करना चाहते हैं तो करते रहिए, हम जांच नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पहले ललित पाटिल और 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच धन के आदान प्रदान की जांच के लिए एसआईटी का गठन करें। अगर पहले से ही एसआईटी का गठन कर दिया है तो उनके त्याग पत्र सामने लाएं। भारतीय नौसेना वाणिज्यिक मल्टा जहाज को बचाने के लिए आगे आई है जिसका कथित तौर पर अरब सागर में अपहरण कर लिया गया है। मेड की चेतावनी मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत अपने युद्ध पोतों को एमवी रुएन की सहायता के लिए निर्देशित किया। मल्टा की मदद के लिए भारतीय नौसेना के एक समुद्री कश्ती विमान और एंटी पायरेसी गश्त पर तैनात युद्ध पोत को तुरंत डाइवर्ट कर दिया गया है। 18 चालक दल के साथ जहाज ने यूकेएमटीओ पोर्टल पीएम 14 दिसंबर 2023 पर एक मेडे संदेश भेजा था जिसमें लगभग 6 अज्ञात कर्मियों के सवार होने का संकेत दिया गया था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया करते हुए भारतीय नौसेना ने अपने नौसेना समुद्री गश्ती विमान को निगरानी पर रखा है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि एमवी रुएन का पता लगाने और उसकी सहायता के लिए क्षेत्र और उसका युद्धपोत खाड़ी अदन में एंटी पायरेसी गश्त पर है। जारी बयान में आगे कहा गया है कि नेवी के एक वॉरशिप ने अपहरण किए गए जहाज का पता लगा लिया है और हम उस पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि जहाज एमवी रुएन सोमालिया की ओर जा रहा था जब गुरुवार को उस पर हमला हुआ। यूके के समुद्री व्यापार संचालन ने कहा कि चालक दल ने जहाज पर नियंत्रण खो दिया है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रूपये, 1380 रूपये, 13800 रूपये या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस को चंदा एकत्र करने के अपने ऑनलाइन अभियान डोनेट फॉर देश की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, हम लोगों को उस इतिहास को स्वीकारते हुए अंशदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो बेहतर भारत के लिए पार्टी की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। केरल में 8 दिसंबर को कोविड 19 के उपस्वरूप जैन एक का एक मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि 79 वर्षीय महिला के नमूने की 18 नवंबर को आरटीपीसीआर जांच की गई थी, जो संक्रमित पाया गया। आईएनएसए सीओजी प्रमुख एनके अरोड़ा ने कहा कि ये वेरिएंट नवंबर में रिपोर्ट किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुद्दा गर्म हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। शुक्रवार 15 दिसंबर को उन्होंने कहा कि केंद्र 2024 की जनगणना के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए कदम उठाएगा। दक्षिण कन्नड़ जिले के मुड़बिद्री में रानी अब्बक्का के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के बाद सीतारमण ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। सीतारमण ने कहा कि महिला विधेयक एक वास्तविकता बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका में विश्वास करते हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्त गलियों के खिलाफ लड़ने वाली 16वीं सदी के उल्लाल की रानी रानी अब्बक्का के साहस और वीरता की सराहना भी केंद्रीय मंत्री ने की। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई अज्ञात सेनानियों के योगदान का दस्तावेजीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्होंने शाही ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के बाद गिरेगी कर्नाटक सरकार। कांग्रेस के एक मंत्री 50 एमएलए के साथ बीजेपी में होंगे शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का दावा। कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस विधायक तारक रामराव के बीच हुई तीखी नोकझोंक। यह सब राजनीति, नेता के दाऊद के करीबी के साथ पार्टी करने के आरोपों पर भड़के उद्धव शिवसेना। अरब सागर में मल्टा जहाज की मदद के लिए पहुंचा भारतीय युद्धपोत, समुद्री लुटेरों पर है अपहरण करने का शक। कांग्रेस अब शुरू करेगी क्राउड फंडिंग, डोनेट फॉर देश अभियान से जुटाएगी चंदा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।